सरस्वती महाभांगे विद्ये कामलोचने विश्वरूपे विश्वलक्ष्मी विद्यम देहि नमस्तते। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। टुडे आई अस्मी जैन आई एम हियर टू कंडक्ट स्पेशल असेंबली ऑन बसंत पंचमी बाय कला संगम क्लब। सरस्वती पूजा का ये प्यारा त्यौहार जीवन में लाएगा खुशियां अपार। सरस्वती विराजे आपके द्वार, शुभकामना हमारी करे स्वीकार। बसंत पंचमी इज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। इन दिस फेस्टिवल गॉडेस सरस्वती इज बीइंग वर्शिप्ड थ्रू आउट द कंट्री। नथिंग कैन बी स्टार्टेड विदाउट द रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल माइटी हु क्रिएटेड द होल यूनिवर्स। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेट्स कमेंस द सेरेमनी बाय चैंटिंग द होली गायत्री मंत्र। I request everyone to join your hands and close your eyes and get ready for Gayatri Mantra. You to get ready for the song which reminds Deavians of their duty towards the institution, society and nation. Song which is the feeling of all Deavians. Let's get ready for Deavi Anthem. Aviral nirmal salil sadai ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय दिए विजय जय दिए विजय जय। प्रबल प्रवाह मई नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता ये धारा अक्षय दिए विजय जय दिए विजय जय। दयानंद से प्रेम भक्ति ले हंसराज से त्याग शक्ति ले धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय दिए विजय जय दिए विजय जय। सुख समृद्धि इसकी लहरें प्रेम शांति इसके तट ठहरे सघन शांतिमय प्रबल क्रांतिमय लिए अटल निश्चय
दिए विजय जय, दिए विजय जय। तू स्वर की दाता है, तू ही वर्णों की ज्ञाता, तुम्हें हम नवाते शीश, हे शारदा मैया दो अपना आशीष। नाउ लेट्स वेलकम आस्था सेना ऑफ क्लास 9E टू स्टार्ट दिस वंडरफुल इवेंट बाय पेइंग अ सोलफुल रेंडिशन टू लॉर्ड सरस्वती, सरस्वती वंदना। mesmerizing. तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। चाहे दुनिया में कितनी अलग अलग भाषाएं हो जाए, लेकिन संगीत से अच्छी कोई भाषा नहीं हो सकती जिसे सब समझते हैं। Now, I would like to call the school choir to present a melodious song on this special occasion in front of you all. Thank you.
On the day of Vasant Panchmi, people visit Saraswati temples or worship Saraswati idols in their own homes. As a traditional practice, students keep their books, pens, textbooks, and even spectacles near Goddess Saraswati's idols for her blessings. It is believed that anyone who believes in Goddess Saraswati will be knowledgeable by nature. Even though it is just a belief, this strong faith will motivate students on Vasant Panchmi to study well and achieve big in life. Vasant Panchmi also indicates the arrival of spring in India, which in itself brings freshness in people's life. So to share more information with you about Vasant Panchmi, let's welcome Shanvi Vashisht of Class 9E to give a speech on Vasant Panchmi. नमस्कार, आज मैं शानवी वशिष्ठ कक्षा 9वीं की छात्रा आपके समक्ष बसंत पंचमी पर कुछ शब्द कहना चाहूंगी। हमारे देश में बसंत पंचमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है। पुरातन युग में राज अपने सामंतों के साथ हाथी पर बैठकर नगर का भ्रमण करते हुए देवालय पहुंचते थे, जहां पर विधि पूर्वक कामदेव की पूजा की जाती थी तथा देवताओं पर अन्न की बाली चढ़ाई जाती थी। इस दिन हमारी फसलें गेहूं, जौ, चना आदि सभी तैयार हो जाते हैं, जिसकी खुशी में हम बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। संध्या के समय बसंत का मेला लगता है, जहां पर लोग परस्पर एक दूसरे के गले लगकर आपस में स्नेह, मेलजोल और आनंद का प्रदर्शन करते हैं। कहीं कहीं पर तो पतंग उड़ाने का कार्यक्रम बड़ा ही रोचक होता है। इस पर्व पर लोग बसंती रंग के कपड़े पहनते हैं, भोजन करते हैं तथा मिठाइयाँ बांटते हैं। ऋतुराज बसंत का बड़ा ही महत्व होता है। इसके घटा निहार कर जड़ चेतन सभी में नवजीवन का संचार होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह ऋतु बड़ा ही उपयुक्त होता है। इस ऋतु में प्रातः काल भ्रमण करने से मन में प्रसन्नता एवं देह में स्फूर्ति आती है। स्वस्थ एवं स्फूर्तिदायक मन में अच्छे विचार आते हैं। यही कारण है कि कई कवियों ने इस दिन अपनी लेखनी नवाई है। हमारे देश में कुल 6 ऋतुएं होती हैं, जो अपने क्रम से आकर अपना पृथक पृथक रंग दिखाती हैं। परंतु बसंत ऋतु का इसमें अलग एवं विशिष्ट महत्व है। यही कारण है कि ये सभी ऋतुओं का राजा कहलाता है। इसमें प्रकृति का सौंदर्य सभी ऋतुओं से बढ़कर होता है। वन उपवन सभी भांति भांति प्रकार के पुष्पों से जगमगा उठते हैं। गुलमोहर, सूरजमुखी, चंपा, चमेली आदि पुष्पों के सौंदर्य से आकर्षित रंग बिरंगी तितलियों और मधुमक्खियों के मधुरस पान की होड़ सी लगी रहती है। इनका सौंदर्य देखकर मनुष्य भी झूम उठता है। विद्यार्थियों की दृष्टि से भी यह त्यौहार बड़ा ही आनंददायक होता है। इस दिन विद्यालयों में देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है तथा सभी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विद्या का महत्व बताते हैं तथा पूरे उल्लास के साथ पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू शानवी फॉर एनरिचिंग आवर नॉलेज अबाउट वसंत पंचमी। Now, it's time to call Nalini Barsana Babu of Class 10th B to recite a wonderful poem in front of you all. Namaskar, Adarniya Shikshakgan evam mere priya mitro. Aaj main Nalini Barsana Babu aap sabhi ke samaksh ek kavita prastut karne ja rahi hu. Meri kavita kuch is prakar hai. Dekho aaya vasant, kusumit hua man. आओ करें माँ सरस्वती का वंदन, करें समर्पित हल्दी चंदन। आओ करें माँ सरस्वती का वंदन, करें समर्पित हल्दी चंदन। पीले लड्डू भोग लगाएं, माँ का वंदन हंस हंस गाएं। अभिलाषाएं करने को पूरी, दीप जलाकर करें पूजन। देखो आया वसन, कुसुमित हुआ मन। धरती गाय अंबर गाय, आज तो पशु पक्षी भी मुस्काए। सन सन कर पवन चले, सूर्य तपन भी मन को भाए। मन है प्रसन्न, तन है प्रसन्न, और प्रसन्न ये बेला है। ऋतुओं का राजा प्रसन्न, मनमोहक और अलबेला है। देखो आया वसन, कुसुमित हुआ मन। धन्यवाद। थैंक यू नंदिनी, दैट वाज लियरली अ ग्रेट वन। Saraswati Namastubhyam Varde Kamarupini Vidyarambha Karishyami Sidhir Bhavtu Me Sada. Let's invite the students of Kala Sangam Club to stage an expressive dance performance in front of you all.
बाजे छनक छनक पायल छनके खनक खनक कंगना बोले चल बाग में चुनरी जो तेरी What a thought-provoking performance it was. Now, I would like to invite respected Principal Ma'am to share her blessings upon us. Dear students, dear teachers, when I decided on what to speak, I thought I'll tell you something about Basant Panchami, but then there was a beautiful speech and that student told you where, how it is celebrated, in which month does it come, and what happens. So that, and then, you know, the joys, the festivities associated, all that you came to know when you saw that wonderful dance performance, the absolutely mesmerizing song. So all the programs that have been presented were not only enjoyable, but they also gave us a lot of information and a lot of knowledge. However, while I was reading the comments, I read one comment and I thought I would now speak on that. So one comment was that, why should we celebrate Basant Panchami? There seems to be no logic. And today, while we were having a havan for Basant Panchami in the school, we discussed the same thing, that how come, you know, there are some festivals, and especially the Hindu festivals, where the dates keep on changing. Dear children, please remember, there are things which appear different, which seem different, because of the different measurement criteria. It is very important that we have a wider vision when we think, when we question, and when we reach to conclusions. The Hindu calendar is the most scientific calendar, and that is why it was adopted by our ancestors. Yes, the calendar that we currently follow and we exchange those dates with you is the English calendar. But all the festivals that follow the Hindu calendar, yes, the dates change, but they change if we compare it to the English calendar. So please remember, there is a lot of logic in celebration of this festival. This is rejoicing of growth. When there is growth happening in the plants, there are animals, there are birds, birds who are migrating back to their homelands. There are trees who are preparing to sprout new leaves. There are other trees which are preparing for sprouting the new flowers, especially if you see the mango trees nowadays and you hear the birds chirping on them.
So the mango tree is preparing for the flowers, and soon you will see mangoes in the hot summers, and then you'll be enjoying it. So yes, this festival has a lot of logic. Then it announces the onset of spring. And after Basant Panchami, the major festival that you will celebrate is Holi, which announces the end of spring and the starting of summer season. So yes, these festivals have a lot of logic. So today, on this auspicious occasion, dear students, I would again like to repeat that use the right measurement criteria at the right occasion. For this, you need to depend on your teachers, because they are the ones who will provide you with the right knowledge. They are your gurus, and along with Goddess Saraswati, it is your gurus that you should be grateful to on this special day. So again, wish you all a very happy Basant Panchami. Enjoy the day, enjoy the onset of spring season, and I hope the same kind of growth, the same kind of knowledge, the same kind of happiness seeps into each and every one of you. God bless you all. Thank you. Thank you, ma'am, for your enlightening words. Now it's time to end this wonderful assembly. We were glad to have you today. On this auspicious day, I wish everyone happiness and the fulfillment of your dreams. Get ready for Shanti Path. Om Dyau Shantirantarikshagun Shanti Prithivi Shantirapaha Shantiroshadhayah Shantih Vanaspatayah Shantirvishvedevah Shantirbrahma Shantih Sarvagvam Shanti Shantireva Shantih Sama Shantirethi Om Shanti Shanti Shanti. Wishing you happiness, good fortune, success, peace and progress on the occasion of Basant Panchami. Thank you again for joining us.